ये है दिल्ली दर्पण, दिल्ली एनसीआर का नंबर वन वेब चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ अंशुल त्यागी। दिल्ली में बढ़ती आवारागाय और पशुओं की भारी समस्या पर भी अब सियासत शुरू हो गई है। नगर निगम में आवारा गायों को पकड़ने का काम कई महीनों से बंद है, तो वहीं दिल्ली की तमाम गौशाला में गायों को लेने से इनकार किया जा रहा है। दिल्ली सरकार इसे नगर निगम की विफलता मान रही है, तो वहीं विपक्ष दिल्ली सरकार से फंड न मिलने का बहाना बना रहा है। इस सबके बीच दिल्ली की सड़कों पर घूमती गाय लोगों के लिए परेशानी ही नहीं, सुरक्षा के लिहाज से भी बड़ी चिंता और चुनौती बनी हुई है। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली की सड़कों पर आवारा गायों का कब्जा, कूड़ा कूड़ा हुई राजधानी में कचरा खाती गौ माता, सड़क हो या गलियां, हर जगह बेतहाशा घूमती आवारा गाय। दिल्ली में ये तस्वीरें अब लोगों को डराने लगी हैं। इनकी वजह से कहीं ट्रैफिक जाम की समस्या है तो कहीं दुर्घटना होने का डर, कहीं ये गाय लोगों को टक्कर मार रही हैं, तो कहीं ये गाड़ियों की टक्कर खा रही हैं, तो सड़कों पर गंदगी भी फैला रही है। इन सब की वजह से लोग गुस्से में हैं, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। दिल्ली में ये समस्या नासूर हुई तो इस पर भी सियासत शुरू हो गई। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार इसके लिए नगर निगम को दोषी मान रही है। इन आवारा गायों को पकड़ने का काम भी नगर निगम का है, लेकिन नगर निगम ने ये काम पिछले 1.5 साल से बंद कर रखा है। वहीं गौशाला संचालकों ने भी गायों को लेना बंद कर दिया है। वजह ना तो गौशाला में जगह है और ना नगर निगम और दिल्ली सरकार इन्हें फंड दे रही है। एक बार हमारे हनुमान मंदिर के पास जो एक महिला थी, उनको गाय ने पेट में सींग मार के चारी उनको डेथ हो गई थी। ऐसा है जी, हमें 24 घंटा चारा करनी पड़ती है, इसे कब सींग मार दे कब क्या कर दे, बड़ी मुसीबत उठानी पड़ती है गाय को। जैसे गाय वाले इसमें छोड़ देते हैं, 8 बजे वही हमारा काम धंधे का टाइम हुआ। आज के टाइम में गाय माता के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है। मैं देख रही हूँ कि ये लोग जो गाय का दूध निकालते हैं और दूध निकाल के गाय को रोड पर छोड़ देते हैं और उनको फिर इतनी बुरी तरह से मारते पीटते हुए ले जाते हैं कि मैं उनको रोकती हूँ तो इवन वो मेरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। सारा दिन गाय रोड पर रहती है, गाय को बिल्कुल सड़क के बीच में छोड़ देते हैं, जिससे गाय का एक्सीडेंट हो जाता है, लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। ये लोग तो बस जैसे गाय कोई जख्मी होती है उसके लिए भी मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ तो ये एकदम से पीछे से दौड़े हुए आ जाते हैं और गाय को ले जाने नहीं देते। जानकारों के मुताबिक दिल्ली में तमाम गौशालाओं में इस समय 30 से 35 हजार गाय है, जबकि दिल्ली की सड़कों पर प्रतिदिन 1 से 1.25 लाख गाय घूम रही है। दिल्ली में हर गौशाला में क्षमता से अधिक गाय भरी पड़ी है। जाहिर है कि दिल्ली में ये समस्या बेहद गंभीर हो गई है। ऐसे में कूड़े की तरह अब इस समस्या पर भी सियासत शुरू हो गई है। इन सब के बीच दिल्ली में डेयरी मालिक और नगर निगम अधिकारी आपस में मिली भगत कर मौज कर रहे हैं और उनकी आवारा गायें सड़कों पर हाथ से करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि कब तक ऐसे ही आवारा गायें सड़कों पर घूमती रहेंगी, कब तक ये लोगों को टक्कर मारती रहेंगी और लोगों की गाड़ियों से कब तक ये गौ माता घायल होती रहेगी, इस पर किसकी जवाबदेही होनी चाहिए। संज्ञान में निगम पूरी तरह से इसके लिए सजग है और हम लोग जल्दी ही वो जगह ढूंढ रहे हैं जहां एक जगह मिल जाए और गौशाला संचालक भी मिलना चाहिए। सर देखिए, मैं आपको इससे पूर्व भी एक बार इस विषय में बात हुई थी कि हमारी आज जो गौशालाओं की स्थिति है काफी दयनीय हो चुकी है, इस कारण से कि गौ वंश वहाँ बढ़ता जा रहा है और स्थान की हमारे पास बहुत अधिक कमी है, क्योंकि स्थान हमारे पास मुश्किल से 15 या 16 एकड़ लैंड हमारे पास केवल बची टोटल सारी मिला के। उसके अंदर हमारे को जो है भंडारण भी करना है, गायों के घूमने के लिए स्थान भी चाहिए, गायों के लिए शेड भी चाहिए और गायों को चरने के लिए भी चाहिए स्थान, तो आज स्थिति वहाँ पर बहुत दयनीय हो चुकी है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए योगेंद्र, सोनू, डिंपल और प्रदीप कोहली के साथ राजेंद्र स्वामी की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।